हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। माई सेल्फ सचिदानंद पांडे एंड आई एम वेलकम टू यू। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाया था क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से, जो था न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक से। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ उसी न्यू लॉन्गमैन विस्टास क्लास 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, जैसे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं एक्सरसाइज ए पे। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडिया वॉज अ कंट्री इंगेज्ड इन सिंस द एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, तीसरे होगा आपका ट्रेड। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था वो किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो डलहौजी ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, डलहौजी। थर्ड देख लेते हैं। द वेयर द फर्स्ट टू विजिट इंडिया फॉर ट्रेड, यानी इंडिया में सबसे पहले ट्रेड करने कौन से लोग आए थे? तो उसका सही आंसर होगा डी, पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोग आए थे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। गेव द ब्रिटिश द फर्स्ट फरमान। सबसे पहला फरमान किसने दिया था ब्रिटेन वालों को? तो यहाँ होगा आपका औरंगजेब, जो सी ऑप्शन औरंगजेब आपका सही हो जाएगा। 5 है। हैदर अली बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन। तो हैदर अली मैसूर का रूलर, मैसूर का राजा कब बना? 1761 में बना। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आइए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर बी पे। मैच द कॉलम्स। इस कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है। सबसे फर्स्ट आपका क्या है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को आप मैच करेंगे मैसूर से, 1 का सी करेंगे। सेकेंड आपका है सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो को आप यहाँ मैच करेंगे ई से, यहाँ डी लिखा हुआ है तो ये एक बच्चे की बुक है, उसने गलत फिल किया हुआ है। जो 2 है आपका सर थॉमस रो, उसको आप मैच करेंगे फैक्ट्री एट सूरत से, क्योंकि थॉमस रो जब आए थे तो उनको फरमान मिला था, उन्होंने परमिशन ले ली थी फैक्ट्री में, ये सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो थर्ड आपका है दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। तो ये मैच होगा आपका किससे? बैटल ऑफ बक्सर से, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही दीवानी बंगाल बिहार उड़ीसा की ब्रिटेन वालों को मिल गई। नंबर 4 क्या है? एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो ये आपका होगा लॉर्ड डलहौजी, ए वाले से मिलेगा, लॉर्ड डलहौजी से मिलेगा। और नंबर 5 जो आपका आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपको मिलेगा 1600 यानी कि 1600 से आप इसको मैच करा देंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज सी पे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, नंबर 1 क्या कह रहा है? द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश टू कंट्रोल इंडियन स्पाइस ट्रेड। तो केवल इंडिया के स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए तो बनी नहीं थी, तो पूरा का पूरा धीरे धीरे ट्रेड कंट्रोल करना चाहती थी ना, बिजनेस करना चाहती थी। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। नंबर 2 चलते हैं। 4 एंग्लो मराठा वार वर फॉट बिटवीन ईयर्स 1775 to 1818। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है आपका, बिल्कुल ट्रू है ये। थर्ड क्या है? लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध बिकॉज ऑफ मिस गवर्नमेंट। ये भी आपका ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। नंबर 4 आपका क्या कहता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वॉज अ यूजफुल टूल इन कम्प्लीटिंग द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये भी सही है कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब का नियम लगा करके, रूल लगा करके 7 या 8 जो यहाँ रियासतें थीं या जो स्टेट थे उसको अंग्रेज़ों ने सीधे कब्जा कर लिया, बिना कोई खून बहाए, बिना कोई लड़ाई किए सीधे कब्जे में आ गए। 2-4 लोगों ने रिवोल्ट किया, प्रतिरोध किया, तो बात दूसरी थी, काफ़ी लोगों ने नहीं प्रतिरोध किया। नंबर 5 द कर्नाटिक वार वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि कर्नाटिक वार जो लड़ा गया था वो लड़ाई हुई थी फ्रेंच और इंग्लिश मैन के बीच, उसके बीच यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। ठीक है, अब आते हैं डी पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे।
कह रहा है द मराठास स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर पावर आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव। ठीक है, इसमें होगा आपका पेशवा माधव राव। नंबर टू क्या है, द कर्नाटिक वार डिस्ट्रॉयड फ्रेंच ड्रीम्स इन इंडिया। बिल्कुल सही है, तो इसमें फ्रेंच आपको होगा, ठीक है, फ्रेंच यहाँ पे होगा। थर्ड आपका क्या है, द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका मद्रास। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखा करें दोस्तों। ठीक है, नंबर फोर क्या कह रहा है, मुगल इम्पर यहाँ पे होगा आपका औरंगजेब। ठीक है, और फाइव वाले में क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द इंग्लिश रिसीव्ड जमींदारी राइट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कलेक्शन का पावर उनको मिल गया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर उनको मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक्सरसाइज आपको मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।